ओके चेतन, पहले मुझे लगता था कि तुम सिर्फ दीवाने हो, पर तुम तो 100% आईएसआई मार्क वाले पागल हो। अब कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं? कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो तो तुम ऑलरेडी जानती हो ना। या ये बोलूं कि जब मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोचता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि सर से पांव तक आग लगी हो। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उस मंगेतर से जलता हूं, ये ख्याल आता है कि अगर तुम शादी करके चली जाओगी तो मैं तुम्हें कभी मिल नहीं पाऊंगा, और फिर मुझे अपनी जिंदगी एक लंबे अंधेरे रास्ते की तरह नजर आती है, और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस रास्ते पे चलूं कैसे। चेतन, तुम वाकई पागल हो। हाँ, 100% आईएसआई मार्क वाला पागल। अब इसकी क्या कहानी है? ये भांगड़ा बॉय फ्रॉम भटिंडा, मेरा दूर का रिश्तेदार, एक हफ्ते से इस घर पे डेरा जमा कर रखा है। मेरी बच्ची कुची शांति को तबाह कर रहा है यार। पर लगता तो बेचारा है। बेचारा? और ये बेचारा मैं बन गया हूँ। मेरे कपड़े पहनता है, मेरे पड़ोसन से लेके रिसेप्शनिस्ट तक को फिरा चुका ही है। इनफैक्ट आज रात का डिनर मेरी रिसेप्शनिस्ट ने ही बनाया है। अच्छा अच्छा, इसीलिए तुमने इसका ऐसा हाल किया? नहीं। तो फिर इसने क्या किया? अभी पूछना जरूरी है। उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया इसलिए तुमने? नहीं, इसने तुम पर लाइन मारना चाहा इसीलिए। तुम्हें क्या लगता है मैं हाँ उसके साथ डिनर करने आई हूँ? सिमोन, इनफ यार, थक गया हूँ तुम्हारी इन गेम से। तुम क्या देखना चाहती हो कि तुम्हारे प्यार में मैं क्या क्या हरकतें करता हूँ? और आगे क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारे मनोरंजन के लिए बिल्डिंग से कूद जाऊं मैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें मिलने के लिए मैं बहाने ढूंढ रही हूँ? क्यों, तुम तो किसी और के साथ शादी करना चाहती हो। चेतन, तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। तो सिमोन, फिर क्या हो रहा है? व्हाट इज आवर फ्यूचर? वेल, हमारे इमीडिएट फ्यूचर में तो मुझे वहां रखा थाई खाना नजर आ रहा है जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट को शेफ होना चाहिए था। और डिनर के बाद? चेतन, इस पल में जीना सीखो, आगे की आगे सोचेंगे। ओके, चल। ओह माय गॉड,